Students, next topic is use of was verb. Okay, was verb are helping verbs. जैसे is are आपके helping verbs से, as it is was and verb भी आपके helping verbs हैं, जो main verb की help करते हैं. Was and verb are used for past time. Was and verb आपके past time के लिए use होते हैं. वो time जो आपका चला गया. Okay. प्रेजेंट टाइम के लिए इज आर एंड का यूज होता था, एज इट इज पास्ट टाइम के लिए हम वाज एंड वर का यूज करते हैं. वाज इज यूज्ड विद आई शी ही इट एंड सिंगुलर नाउंस. वाज का यूज आई शी ही इट और सिंगुलर नाउंस के साथ करते हैं. एज आप आई शी ही इट एंड सिंगुलर नाउंस के साथ प्रेजेंट टाइम के लिए इसका यूज करते थे. एज इट इज बिल्कुल ऐसे ही आपको आई शी ही इट एंड सिमिलर नाउन के साथ अगर वो पास्ट टाइम में है. प्रेजेंट टाइम में तो इसका यूज होता था, लेकिन पास्ट टाइम के लिए वॉज का यूज होगा. इन सभी हेल्पिंग आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम वॉज का यूज करेंगे. वर्ब वर्ब इज यूज विद वी यू दे एंड प्लूरल नाउंस. वर्ब का यूज वी यू दे एंड प्लूरल नाउन के साथ करते हैं. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टाइम, गर्म पास्ट टाइम के बारे में बात कर रहे हैं. प्रेजेंट टाइम के लिए तो हम वॉज की जगह वॉज की प्लेस पर इसका यूज करते हैं एंड वर्ब की प्लेस पर हम आपका यूज करते हैं. लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम ये देखें ओनली आई आपका एक ऐसा सब्जेक्ट होता है प्रेजेंट टाइम में जिसके साथ हम एम का यूज करते हैं. लेकिन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टाइम, अगर हम पास्ट टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, देन वॉज इज यूज विद आई शी ही इट एंड सिमिलर नाउंस. इसमें आई के साथ भी शी के साथ ही इट एंड सिमिलर नाउंस के साथ वॉज का यूज होगा एंड वी यू दे एंड प्लूरल नाउन के साथ वर्ब का यूज होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल I blank a ball. I blank a ball. Then was. अगर हम past time की बात करें, कुछ sentence ऐसे होते हैं आपके जिनको देखकर ही आपको पता लग जाता है कि वो आप का जो sentence है वो past time, past के बारे में बात कर रहा है. For example, he blank going. Yesterday, yesterday ये आपके past को show करता है. Yesterday means वो कल जो आपका चला गया था. He was, he के साथ was का यूज होगा. It means वह कल जा रहा था. Okay, next she blank sick, S I C K, sick means होता है बीमार. Yesterday, okay, yesterday वो कल जो आपका गुजर गया, बीत गया, बीता हुआ कल. Yesterday, तो yesterday आपके past को show करता है. She है, she subject के साथ आप was का यूज करेंगे. Next verb, okay, for example, we friends. इसमें आपको was and were से किसी एक का यूज करना है. we subject में हम verb का यूज करते हैं. ओके, नाउ यू blank good player. Friends, so was is used with I, she, it and singular nouns. Were is used with we, you, they and plural nouns. Okay, and was and were का यूज हम past time के लिए करते हैं.